मायसेल्फ डॉक्टर तरुणा दुआ, सीनियर कंसल्टेंट आकाश हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैक एक इन प्रेगनेंसी के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंट लेडीज़। तो इसके लिए हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि बैक एक के कारण क्या होते हैं। पहले हम ये जान लें और उसके बाद आई विल गिव यू सम टिप्स एज टू हाउ टू डील विद बैक एक इन प्रेगनेंसी। हम कारणों की बात करें तो सबसे पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ प्रेग्नेंट लेडी गेन्स अबाउट 10-15 केजीज ऑफ वेट। ऑन एन एवरेज अबाउट 12 केजीज होता है, बट ये बहुत लोगों में ज़्यादा होके 15 केजीज, 16 केजीज भी हो सकता है। तो वही बॉडी और वही बैक जो हमारी 60 या 65 केजीज ऑफ वेट उठाती थी, अब उसको 10-15 केजीज एडिशनल वेट उठाना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं थोड़ा बैक एक तो होगा उसमें। दूसरी बात, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, जो वेट है वो आगे को आता है, अब्डोमेन आगे को ग्रो करता है। तो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी होता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, वो थोड़ा चेंज होता है और हमारा पॉस्चर भी इवेंचुअली चेंज होता है, हमारा गेट लार्डोटिक हो जाता है। तो बैक हमारी ज़्यादा आर्च होती है, विच अगेन लीड्स टू बैक एक। नंबर 3, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसी में एक हार्मोन होता है रिलैक्सन नाम से, वो सिक्रीट होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है कि वो लिगामेंट्स को और बोन्स को रिलैक्स्ड करता है। अब बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ दीज लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी, दैट लीड्स टू बैक एक। ये कुदरत का एक अपना तरीका होता है टू सपोर्ट नेचुरल लेबर, ताकि डिलीवरी के समय पे बच्चे के बाहर आने के लिए बेटर स्पेस मिल सके, बट इट डज लीड टू बैक एक। चौथी बात, हमारा पॉस्चर, द वे वी डू आर फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर हमारे काम में वी आर इन्वॉल्व विद लॉन्ग सिटिंग, वी आर इन्वॉल्व विद लॉन्ग स्टैंडिंग, जिसमें हमारा बैक की पोजिशन भी बहुत अच्छी नहीं है, हम झटके वाली मूवमेंट्स करते हैं, हम बैक पे सोते हैं, हमारा गद्दा कंफर्टेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें कारण हो सकती हैं इंक्रीज्ड बैक एक की। हमें जो है अपनी डाइट में कैल्शियम और हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल, ये अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो अगर हमारी डाइट में कैल्शियम इनटेक कम है, हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स कम है, तो बैक एक बढ़ सकता है। और बहुत बारी हम होता है कि हम मोटिवेटेड हैं फॉर गुड फिजिकल एक्सरसाइजेस, कि हमको बहुत फिजियोथेरेपी करनी है, हमको बहुत अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट उस चक्कर में कहीं हम गलत तरीके से एक्सरसाइजेस करें, बहुत ज़्यादा बैक झुकने की, बैक सीधा सीधा रखने की, ये चीज़ें करेंगे तो हमारा बैक एक ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे कारण हो गए कि बैक एक क्यों होता है, हमने ये जान लिया। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि बैक एक को हमको डील कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आप ये ध्यान रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन बहुत एक्सेसिव ना हो। कुछ हद तक ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, बट कुछ हद तक आपके हाथ में होंगी। यू शुड बी केयरफुल टू टेक अ हेल्दी सफिशियंट डाइट, बट नॉट ओवर ईट, नॉट लोड योर सेल्फ विथ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट लोड योर सेल्फ विथ फैट्स। तो मे बी एक डाइटिशियन की सलाह के साथ यू हैव एन एडिक्वेट प्रोटीन एंड फैट रिच डाइट। दूसरी बात, आप अपना पॉस्चर का ख्याल रखिए। पॉस्चर में आपको ख्याल रखने के लिए, अगर आपको मालूम है मेरी जॉब में आई एम इन्वॉल्व विद लॉन्ग सिटिंग, विद लॉन्ग स्टैंडिंग, तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स चुराइए अपनी जॉब प्रोफाइल में। घंटा सवा घंटे में आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, जस्ट गो टू द वॉशरूम, हैव सम वाटर, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, सो दैट इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग लॉन्ग सिटिंग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग। आपकी अपनी मूवमेंट्स का ख्याल करिए, बिल्कुल झटके से नहीं उठना है, जेंटल मूवमेंट्स करनी है, बी स्लो विद योरसेल्फ। जब आप लेटते हैं, जब आप सोते हैं, उस समय पे ट्राई नॉट लाइंग डाउन स्ट्रेट ऑन योर बैक, हमेशा करवट लेके लेटे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप ये ध्यान दीजिए कि आपका मैट्रेस कंफर्टेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं रात में 6-8 घंटे सोते हैं एंड यू गेट अप विद अ बैक एक, इसका मतलब यू शुड थिंक ऑफ दिस ऑल्सो। इन सब चीज़ों का ख्याल करिए। फिर कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अच्छा रखिए और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट होके डू द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।